बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहां पर नक्सलियों की बौखलाहट सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने पर्चा जारी किया। अमित शाह के रवाना होते ही ये पर्चा जारी किया गया। इस पर्चे में लिखा है कि किस किस से बदला लेंगे गृहमंत्री, यानी जो गृहमंत्री ने नक्सलियों को लेकर जो बयान दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी रहेगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। जिसके बाद नक्सलियों ने ये पर्चा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस किस से बदला लेंगे गृहमंत्री। तो बड़ी चुनौती नक्सलियों की यहां पर पत्र के जरिए सामने आई है। अमित शाह आज रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायल जवानों का हाल जाना, अस्पताल पहुंचे, घायल जवानों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। आपको बता दें कि नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो चुके हैं। और जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह रायपुर से रवाना हो, उसके बाद ये पत्र जारी किया है नक्सलियों ने, जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि गृहमंत्री किस किस से बदला लेंगे। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, नक्सलियों को चुन चुन कर खोजा जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा और अभियान चलाए जाएंगे, नक्सल उन्मूलन के लिए कैंप स्थापित किए जाएंगे, ये भी अमित शाह ने कहा है। और इसके बाद नक्सलियों की ये बौखलाहट और ये पर्चा जारी किया, जिसमें उन्होंने अमित शाह से पूछा है कि किस किस से बदला लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आर के गांधी जी जुड़ चुके हैं। गांधी जी, आई नक्सलियों की बौखलाहट पर्चे के जरिए उन्होंने कहा कि किस किस से बदला लेंगे गृहमंत्री। जिस तरह से यहाँ पे अकामक लड़ाई की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से कही गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूरे दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, वापस रवाना होते ही नक्सलियों ने एक पर्चे यहाँ पे जारी किया है। और जिस तरह से शनिवार को जो तर्रे में सुरक्षा बल के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें घायल हुए अपने जवानों को सलाम करते हुए उन्होंने नक्सलियों ने अमित शाह पर निशाना साधा है। और पर्चे में कहा गया कि अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर भी बदला लेने जैसी असंवैधानिक बात करते हैं, लेकिन वो किस चीज से बदला लेंगे इस तरह की बात है। जो माओवादी संगठन उसके प्रवक्ता जो है अभय के द्वारा ये पर्चा जारी किया गया है। और सरकार और सुरक्षा बलों के अभियान के खिलाफ में जिस तरह से टेक्टिकल जो काउंटर ऑपरेशन कैंपेन है, जिसके अब तक 100 से ज्यादा कोई कर्मी या तो घायल हुए या मारे गए, ऐसा अभय का कहना है। तो इस पर्चे में ये भी कहा गया है कि सरकार के दमन के खिलाफ उन्होंने 26 अप्रैल को भारत बंद का भी आह्वान किया है, लेकिन सरकार कोरोना महामारी की जनता की बचाव करने की बजाय उन्हें नक्सलियों का डर दिखा रही है, इस तरह की बात इस पर्चे में कही गई है। पर्चे में ये भी दावा किया गया है कि सरकार की कार्रवाई के खिलाफ में इस तरह के मुठभेड़ वो लोग आगे जारी भी रखेंगे, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है। और नक्सलियों ने इस पर्चे में ये भी कहा कि सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है, जबकि वे सरकारी तंत्र द्वारा जनता के जो संसाधन की लूट है उसके खिलाफ उनका संघर्ष है। और पर्चे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी चर्चा है। भूपेश बघेल के बारे में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री शांति वार्ता से पहले हथियार और निर्देश छोड़ने की तरफ से रख रहे हैं, जिस तरफ को नहीं मानते। तो फिर मैंने कहा ये जो पर्चा जारी किया गया, इस पर्चे में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं नक्सलियों ने साहसिक गुरिल्ला योद्धाओं को लाल सलाम कहा है, और जो गुरिल्ला योद्धा जो शहीद हुए हैं उनको लेकर भी यहाँ पे संबोधित यहाँ पे इस पर्चे में किया गया है। गांधी जी, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है पत्र के बाद? देखिए, ये पत्र अभी सरकार तक नहीं पहुंची। सरकार जब भी ऐसा कोई पत्र जारी होता है तो उसकी जांच की जाती है ये उनका पत्र है या नहीं है। और चूंकि ये पत्र विज्ञप्ति है जो जारी किया गया है, तो लिहाजा इस विज्ञप्ति के बाद में इसकी जांच पुलिस विभाग करेगी कि इस पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख है उसको लेकर किस तरह के आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले भी शांति वार्ता को लेकर जो पत्र जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर गृहमंत्री ने कहा था कि यह पत्र उनके पास नहीं पहुंचा है। तो ये पत्र सीधे सरकार को लेकर संबंधित तो रहता है, लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर इसको जारी किया जाता है। और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ऐसे समय में जारी किया गया है जब अमित शाह यहाँ पे नक्सल मोर्चे को लेकर आक्रामक रणनीति की यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। और इस चर्चा में उन्होंने जिस तरह से नक्सल मोर्चे पे जवानों का हौसला बढ़ाया है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये अंतिम लड़ाई है नक्सलियों के साथ। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो इस पर्चे के जरिए जहां नक्सली अपनी मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने नक्सलियों को लेकर सीधे तौर पे चुनौती यहां पे दी है और चेतावनी भी दी है कि सरेंडर करने वालों का स्वागत है सीधे तौर पे, जिस तरह से पासापुरा कैंप में अमित शाह ने बोला, लेकिन अगर हथियार नहीं डालते तो उनको जो आप उसी तरह से उसी माकूल हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पे जवानों का हौसला यहाँ पे बढ़ाया अमित शाह ने, और इसके जरिए कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये कोशिश की है कि
जो जवान है जिनका मोरल डाउन हुआ है उनके मोरल को बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर ये एक लबोलुआब है पर्चे का जो अमित शाह के रवाना होते हुए यहाँ पे जारी किया गया है और कई संस्थानों कई मीडिया संस्थानों को ये जारी किया गया है जिसमें इन बातों का जिक्र है और सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन जो सरकारी तंत्र द्वारा जो संसाधनों की लूट हो रही है उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। नक्सलियों ने यह भी कहा कि पुलिस के साथ जो उनके संघर्ष नहीं चाहते तो उनका यह भी कहना है कि जो शहीद हुए हैं वो उनके साथ संघर्ष नहीं चाहते लेकिन जब वो सरकारी तंत्र का हथियार बनकर उन पर हमला करते हैं तब उन्हें जवाब देना पड़ता है। और शोषित जनता का हिस्सा बताते हुए लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती ना करें। तो एक बात इससे भी जाहिर होता है कि जिस तरह से पुलिस में भर्ती हो रही थी स्थानीय युवाओं की तो इससे भी नक्सली बौखलाए हुए थे जिसकी बौखलाहट इस चर्चे में दिख रही है। और साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें जिस तरह से उन्हें सरकारी तंत्र का हथियार बनाकर उठाने की जो बात की गई है तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट भी इसमें दिख रही है कि बड़े स्तर पर स्थानीय युवाओं को कोर्ट में शामिल किया जा रहा था। बस्तर या बटालियन में बनाया गया था और जो ये मुठभेड़ भी हुई इस मुठभेड़ में आप देखें कि बीजापुर के जो स्थानीय युवा है वो शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर समझा जाए इस पर्चे में नक्सली की बौखलाहट भी दिख रही है। इससे पहले जिस तरह से सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर यहाँ पे जो जवानों को श्रद्धांजलि दी गृह मंत्री ने बीजापुर स्थित जो सीआरपीएफ कैंप है वहां पर उन्होंने जवानों को हौसला बढ़ाया अपने साथियों को खोने से दम में डूबे जवानों के साथ में जो अमित शाह ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे लंच भी किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सरकारी तंत्र है वो जवानों का हौसला बढ़ाने में लगी हुई है वही नक्सलियों इस पर्चे के जरिए अपनी बात याद रखी है कि उनके भी कहीं ना कहीं देखिए जो बातें आ रही थी कि उनके भी साथी शहीद मारे गए हैं और जवान जो शहीद हुए एक जवान को ले जाने की जो बातें हो रही थी इन तमाम जो बातें हैं वो इस पर्चे के जरिए निकल के सामने आ रही थी। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गांधी जी। तो बड़ी खबर यही है एक नक्सली सरकारी लूटतंत्र के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो पत्र में जिन तमाम बातों का जिक्र किया गया है उसको लेकर जो चुनौती सामने आ रही है वो यही है कि सरकारी लूटतंत्र के खिलाफ नक्सली मोर्चा खोले हुए हैं और यही वजह है कि वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।